हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, राखी का त्यौहार तो आप लोगों ने अच्छे से मना ही लिया होगा, मेरा तो आपने देख ही लिया, बट क्या करें, मैं घर भी नहीं जा पाया। नेक्स्ट कभी भी जाऊंगा तो मैं अपना घर भी दिखाऊंगा और मेरे परिवार वालों से इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। तो फिलहाल आज मुझे कहीं नहीं जाना है, बट देखते हैं इस पेंटिंग को हम बना पाते हैं या नहीं। वैसे फादर लोग से मिलने जाना था, कौनवीर, वही जो बोल रहे थे कि कुछ कुछ काम कराना है, तो वो देखते हैं वो क्या क्या काम देते हैं, तो वहाँ पे जाके एक बार मिल लेंगे। वैसे मुझे लगता है वहाँ पे लिखने का काम ज़्यादा होगा, तो मिल के उसे मतलब अच्छी तरह जान के फिर वापस आ जाएंगे। वैसे पिछले सप्ताह हम लोगों ने लगातार काम किया था ना, इसी वजह से थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मन कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कौनवीर जाने से, वैसे कहने का मतलब आज हम लोग काम नहीं करेंगे, खाली पूछ के आएंगे कि क्या क्या काम है वगैरह देख के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वैसे सस्सी तो क्या पता जाएगा कि नहीं, बट मैं अकेला भी जा सकता हूँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। और आज का मौसम भी वही धूप और छाया, लेकिन अच्छा है। वैसे मैंने ढेर सारा कपड़ा भी धो लिया है और काफ़ी लेट से उठा भी था और बहुत ज़्यादा देर हो गया है। अभी टाइम हो रहा है गाइस 10:15, तो सोच सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सारे रेंट वाले यहाँ के अपने घर गए हैं और देखिए यहाँ पूरा सन्नाटा लगेगा आपको, सिर्फ मेरा ही बाइक नज़र आ रहा है। वैसे एक दो घर में हैं, बट वो लोग तो अपना काम पर निकल चुके हैं। और बाइक मैं रात को इस साइड पर लगाया था क्योंकि रेंट वाले नहीं है ना, नहीं तो मुझे वो वहाँ पर लगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे क्या होता है आप देखिए। दोस्तों मैं आया हूँ फादर के पास, वही मिलने जो क्या काम था वगैरह पूछने के लिए। तो मुझे पता चल गया है कि क्या काम करना है, और मेरे पहले वाला पेंटिंग भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लिखा था और अंदर साइड में कुछ दो पेंटिंग बना हुआ है, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, फादर से मिल लिए हम लोग और मेरे साथ आया है रुपेश, तो चलते हैं गाइज, अब सीधे आपसे घर पे मिलेंगे, घर में पेंटिंग वेंटिंग करना है, तो चलिए चलते हैं। त्योहार का दूसरा दिन है, इसीलिए शायद पूरा सन्नाटा है। आज सभी खाने पीने में व्यस्त होंगे, इसीलिए सारे दुकान बंद हैं। दोस्तों फिर से मैं फाइनली महादेव कोना आया हूँ अपना सामान लेने, और ये देखिए पेंटिंग कैसा लग रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। और दोस्तों इसमें कल बहुत ज़्यादा सेल्फी और बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक हुई है, मैंने देखा फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखा था। रुपेश को मैंने छोड़ दिया था उसी के घर, और मेरे साथ आया है शशि, तो वो देखिए वो आ रहा है उधर से। तो चलिए सामान को लेके यहाँ से चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, 3 बज रहे हैं गाइज। मैं थोड़ा साक्षी लोग के घर गया था, बट साक्षी सो गई थी इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया वो। तो देखते हैं अगर घर जाके अगर पेंट कर पाएंगे तो करेंगे। फाइनली दोस्तों मैं घर तो आ गया, बट अब ड्राइंग कर पाएंगे या नहीं वो देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। फिर मुझे बनागुट्टू जाना है क्योंकि एक लड़की है दोस्त, उसे पहुंचाने जाना है, तो उसको ऑटो नहीं मिल रही है यहाँ से बनागुट्टू के लिए। तो बनागुट्टू पहली बार सुन रहे होंगे मेरे वीडियो पे, क्योंकि उधर हम लोगों को कभी काम ही नहीं हुआ है आजकल में, तो अभी फ़िलहाल सीधे उसको पहुंचा के फिर लौट के आऊँगा
उसके बाद फिर से देखूंगा अगर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो पता चलेगा, क्योंकि जब तक मैं इसको नहीं ठानूंगा कि मैं इसे बनाना है तब तक नहीं हो पाएगा। पहले मैं पानी उनी पी लूँगा, बहुत हरासमेंट टाइप का लग रहा है, आपको मेरी आंखें देख के लग रही होगी कि थका हुआ है। ओबियसली मैं थका हुआ हूँ, एकदम मुझे अच्छा फ्रेश फील ही नहीं हो रहा है दो चार दिन से, तो मुझे शायद सुबह सुबह एक्सरसाइज करना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने एक्सरसाइज छोड़ा हुआ। एक दो दिन गया था बट उसने कुछ वैसा असर ही नहीं किया। कहने का मतलब रेगुलर, जो कोई भी चीज़ को आप रेगुलर रहोगे तो ही वो इफेक्टिव होता है। तो चलिए पहले बानागुट्टू से लौटते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ओके, तो फाइनली दोस्तों मैं वापस लौट रहा हूँ, वैसे काफी लेट हो गया यहाँ पर। मैं उसका घर गया तो थोड़ा देर बैठा, पानी उनी पिया, फिर वहां से निकला, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए गाइस, अब तो घर पहुंचेंगे, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। और यहाँ का जो रास्ता है वो पूरा खराब हो चुका है, देखिए जब बारिश होती है तो पूरा ये भरा हुआ रहता है। और ये देखो, ये नया पुल बनने वाला है सो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये एक डेढ़ साल हो गया बनते ही है, कब तक बनेगा कोई पता नहीं है। तो घर पहुंचने में मुझे 20 मिनट लग गए, और चलिए अब देखते हैं कि ड्राइंग कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उसी दिन से सोच रहा हूं कि पेंट करूंगा। और वैसे इस वो महादेव कोना वाला वीडियो को भी मुझे एडिटिंग करना था बट वो मैंने एडिट भी नहीं किया है अभी तक। तो अब देखते हैं, पहले मुझे ब्रश को पूरा साफ करना होगा क्योंकि बहुत दिन से मैंने उसे छुआ भी नहीं है, तो वो थोड़ा कड़ा हो गया होगा, तो उसे सॉफ्ट करने के लिए पहले मुझे उसे धोना होगा। तो मैं टर्पेंटाइन ऑयल से धोता हूँ उसे, ब्रश को पूरा साफ कर लेता हूँ पूरा क्लियर, उसके बाद ही मैं यूज़ करता हूँ। तो उसे पहले धोएंगे, उसके बाद देखते हैं स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं। वैसे वो स्केच वहाँ पे रखा हुआ है, तो चलिए मैं पहले ब्रश व्रश धो लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आधा घंटा लगा इसको फ्रेश करने में, मुझे ये देखो पूरा क्लियर कर दिया है मैंने। इसी से गाइज मैं ऑयल पेंटिंग बनाता हूँ, और जो दीवार पे मुझे वर्क करना होता है वो कुछ अलग ब्रश होता है, उसके लिए एक ब्रश यहाँ पर भी है, उसका ये ब्रश है, ये देखो ये सिंथेटिक हेयर का ब्रश है, काफ़ी अच्छा होता है मतलब वॉल के लिए। और जो ये सब सारे ब्रश देख रहे हैं आप, ये ब्रश मैं ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि ब्रूस्टर ब्रांड का है कुछ, और कुछ अलग अलग ब्रांड के हैं, तो मैं इसी से ऑयल पेंटिंग वगैरह करता हूँ। किसी दिन मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि कौन ब्रश किस सरफेस के लिए अच्छा होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको ज़रूर ये सारे जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आपको सबको शेयर करूँगा। ओके गाइज, तो फिलहाल अभी मैं जाऊंगा, कहीं घूम घाम के आते हैं, चाय वगैरह पी के आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और कल से मैं सुबह एक्सरसाइज करने जाऊंगा, तो मैं आपको भी लेते जाऊंगा। तो चलिए फिलहाल घूम के आते हैं कहीं से। और वैसे अभी शाम के बज गए हैं 6:15, तो अंधेरा होने को है, वैसे यहाँ का बल्ब मैं जला देता हूँ तो अच्छा रहेगा। शाम को थोड़ा सा घूम लेने के बाद ही मज़ा आता है, कहने का मतलब दिन भर इधर उधर भटके रहो तो फिर शाम को थोड़ा सा दोस्तों के साथ बात करना। वैसे शाम हो ही चुका है और बाइक को मैं आज बार बार निकाल रहा हूँ, घुसा रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे गेट ही खोलना होता है, तो चलिए गेट खोल लेते हैं। और यही प्रॉब्लम है एक, पहले गेट खोलो फिर बाइक निकालो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। संजय जी दो चाय। तो क्या बना रहे हैं संजय जी आप? पकौड़ी बना रहे हैं। पनीर पकौड़ा? नहीं, प्याज पकौड़ा। प्याज पकौड़ा।
ठीक है बनाइए, हम लोगों को तो खाना नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे अभी। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया अपने घर, और गाइज मैं आपको सुबह से ही बोल रहा था कि इसे पेंट करूंगा, वो जो मैंने स्केच बना रखा है उसे मैं पेंट करूंगा बोलते रह गया, बट मैंने पेंट नहीं किया, उसके लिए सॉरी। और आज ब्लॉग पे भी वैसे मैं कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि गाइज आज ना मुझे बिल्कुल थकावट, मतलब दिन भर आज वैसा ही लगा है, मुझे थकावट लग रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मेरा नींद पूरा नहीं हुआ होगा जैसा लग रहा है। मैं एक दो दिन पहले बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, तो आके रात में एडिटिंग करते करते मुझे 12-1 बज जा रहे थे, इसी वजह से शायद मेरा नींद पूरा नहीं हुआ होगा। अभी फ़िलहाल मैं बनाऊंगा खाना और खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। बट गाइज मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है इसीलिए मुझे थकावट सा लग रहा है, बट आज पूरा फुल रेस्ट करेंगे और कल से एक्टिव हो जाएंगे। कहने का मतलब जो भी काम करना स्टार्ट करेंगे उसे करके ही रहेंगे। ओके, तो आप ज़रूर वीडियो को देखना, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना गाइज। अभी बस इतना ही बात करते हैं आपसे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।